नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की राजनीति में कुंवारे युवाओं का जलवा देखने को मिला। इसमें सबसे पहला नाम विपक्षी नेता और महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आता है। तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। इनके अलावा पहली बार विधायक बनी श्रेयसी सिंह और प्लुरल्स पार्टी सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस कड़ी में शामिल हैं। अब इन सभी युवा नेताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नेताओं ने बिहार की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने में कितना सफल हो पाए हैं। सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे सुपुत्र हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनसे शादी करने के लिए कई प्रस्ताव आए थे। 31 वर्षीय तेजस्वी यादव पहले क्रिकेट खेला करते थे लेकिन अब सक्रिय राजनीति में उतर आए हैं। तेजस्वी यादव का अभी पूरा फोकस बिहार की राजनीति पर है, न कि शादी पर। इस दिशा में एक बार उन्होंने कहा था कि वो चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के शादी हो जाने के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। अब हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं और अभी अपने पिता द्वारा बनाई गई पार्टी लोजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। चिराग पासवान 38 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक कुंवारे ही हैं। चिराग जमुई से सांसद भी हैं। फिल्म अभिनेता से राजनेता बने चिराग के कंधे पर पार्टी को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कन्हैया कुमार के बारे में। जेएनयू की छात्र संघ राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए कन्हैया कुमार सीपीआई पार्टी के नेता हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह को टक्कर दिए थे। हालांकि गिरिराज सिंह ने उन्हें जबरदस्त मात दी थी। बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले कन्हैया कुमार भी बिहार के युवा कुंवारे राजनेताओं की श्रेणी में आते हैं। श्रेयसी सिंह, दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह भाजपा के टिकट पर इस बार बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरी और जीत हासिल कर विधायक बनी। श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं और निशानेबाजी में भारत की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। श्रेयसी की मां भी सांसद रह चुकी हैं। 29 वर्षीय श्रेयसी सिंह भी अभी कुंवारी हैं और फिलहाल उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना और बिहार की जनता की सेवा करना है। पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी खुद की पार्टी प्लूरल्स का नेतृत्व करती हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश की थी। पुष्पम इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन दोनों ही जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर उनको चाहने वाले कई लोग हैं। पुष्पम प्रिया भी अभी कुंवारी हैं और बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में लगी हुई हैं। उन्होंने लंदन से पढ़ाई पूरी की है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।